This story is brought to you by tapeatale.com. ये कहानी कालिंदी की है, जिसने जाने अनजाने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। होता है ना कि अचानक से आपके ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है, जिसको लेके मम्मी हमेशा बोलती है कि उससे कुछ सीख, उसके जैसी बन। दो तीन महीने ही हुए होंगे उनको शिफ्ट हुए कि एक दिन ऐसे ही अचानक बातों ही बातों में मम्मी ने बताया कि मनोज कोई रिश्ता लेके आया था और कालिंदी की शादी अगले महीने। आई वाज लाइक हैं, नहीं अभी उसकी उम्र क्या है, वो तो मेरे बराबर है ना। आई रिमेम्बर द डेट्स, 28 मार्च 2017 कालिंदी की शादी हुई। मेरा उससे कुछ खासा इंटरेक्शन नहीं था और होना भी नहीं था, क्योंकि मम्मी के तानों ने पहले ही एक डिस्टेंस बना दिया था, एक सॉफ्ट राइवलरी क्रिएट कर दी थी कि यार कुछ खासा इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, क्योंकि शादी के सारे फंक्शंस घर में ही हुए थे। 30 मार्च 2017 मैं शाम को लौटी, कालिंदी घर में बैठी हुई थी और मैं उसको देख के शॉक हो गई। शॉक, उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। शादी के तीसरे दिन उसे घर से निकाल दिया। मेरा भी रिएक्शन यही था। मैं बस घर में एंटर हुई थी, मैंने मम्मी की तरफ देखा, वो विभा आंटी के बाहों में लिपट कर रो रही थी, या यूँ कहूँ कि बिलख रही थी। घर में जमावड़ा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठा हो रखे थे कि शादी के तीसरे दिन एक लड़की आई है और इस हालत में। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोला, तू अंदर जा। मैंने मैं गर्दन हिलाई और मैं अंदर चली गई। क्यों? मेरा भी यही सवाल था, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा और उसको घर से भी निकाल दिया? नई नवीली दुल्हन थे यार वो। सबने बहुत कोशिश की कालिंदी को समझाने की। रोज कोई ना कोई आता, अलग अलग तरीके से उसको समझाता, उसको बताता कि ये गलत हुआ था, ये सही हुआ था। मुझे अभी भी रीज़न नहीं पता था, मुझे किसी ने बताना ज़रूरी भी नहीं समझा था, क्योंकि शायद मेरी वो उम्र नहीं थी कि मैं वो चीज़ें समझ पाऊँ, या फिर शायद उन्हें नहीं लगता था कि मैं ये चीज़ें समझ पाऊँगी। यूँ ही 15 दिन हो गए। 15 दिन बीते, मम्मी पापा के साथ बैठ के बात कर रही थी तो मुझे सुनाई दिया कि कल मनोज अंकल और दो तीन रिश्तेदार और आप भी चले जाना कालिंदी के ससुराल में, और जाके उनसे बात कर लेना कि देख लो बेटी को अपना लो, गलतियां तो हो जाती है, बात करो, कुछ तो हल निकालो, ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म होता, रिश्ते तो ऐसे नहीं ख़त्म होते। अगले दिन वो लोग गए, मैं उस दिन घर पे ही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कालिंदी से जाके पूछूं। बस 13 सीढ़ियाँ थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 13 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाऊँ और कालिंदी से पूछूं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। वो लोग शाम को घर लौटे। हमारी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसी खबर आएगी कि जिससे लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने दिनों से जो ये माहौल चल रहा है घर में, ये ठीक हो जाएगा, शायद मुझे और कालिंदी के आंसू देखने नहीं को मिलेंगे। वो घर पे लौटे, विभा आंटी के हाथ में एक सफ़ेद चादर थी। वो आई और उन्होंने न जाने क्या क्या बकना शुरू कर दिया। ऑल फॉल जो उनके मुंह में आया, उन्होंने नहीं सोचा कि कौन सामने है, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्या बोल रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया कालिंदी को, और यहाँ तक बोल दिया कि अच्छा होता था कि लड़कियों को पहले मार दिया जाता था, तेरी जैसी औलाद होने से तो बेहतर था कि लड़कियां होती ही ना, मेरी कोई बेटी ही ना होती, तेरे बाप के साथ तू भी मर जाती तो अच्छा रहता। मम्मी ने कालिंदी को बोला, तुम इनको लेके ऊपर जाओ और संभालो। कालिंदी उनको लेके ऊपर गई, वहां से फिर आवाजें आ रही थी, बहुत तेज आवाजें आ रही थी। मम्मी ऊपर भागी, मैं भी उनके साथ भागी।
ये देखने के लिए कि कुछ गलत ना हो जाए। मुझे अभी भी नहीं पता था कि वजह क्या थी। विभा आंटी की बातें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, विभा आंटी ने उस पर हाथ भी उठाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कालिंदी चुपचाप बस सह रही थी, वो रो रही थी। मम्मी ने बोला, कालिंदी को नीचे लेके जा, मैं इधर संभालती हूँ। मैं कालिंदी को नीचे लेके आई, मैंने उसको बेड पे बिठाया, पानी पिलाया और उसे पूछा, तुम ठीक हो? वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या है? शी सेड, मेरा खून नहीं आया। आई वाज लाइक, क्या? मैं समझी नहीं। इससे पहले वो मुझे कुछ बता पाती, मम्मी नीचे आई। मम्मी ने कालिंदी को बोला कि तुम ऊपर जाओ, उन्हें संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कालिंदी के सर पे हाथ फेरा, वो ऊपर चली गई। मम्मी ने कहा, तू इस मामले से दूर रह। ठीक है। करीबन 6 महीने उसका केस चला और डिवोर्स हो गया। कहानी ख़त्म। उप्स, सबसे अहम किरदार के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गई। सबसे अहम किरदार निभाया था इस पूरी कहानी में कालिंदी के वक्त भी और कालिंदी के बाद भी समाज ने। समाज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही हमको बोले कि आपको पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, लेकिन समाज, समाज आपको बताएगा कि आपको किस चीज़ का अधिकार है या नहीं है। कालिंदी को उसके ससुराल वालों ने इसलिए छोड़ा बिकॉज शी वॉज नॉट वर्जिन। शादी से पहले सेक्स, सेक्स, कितनी बेशरम लड़की है। अब बिन बाप की बेटी है, ये तो होना ही था। और भेजो लड़कियों को बाहर, और पढ़ाओ लड़कियों को, नौकरी पढ़ा, नौकरी कराओ। इंडिया में 400 से ज़्यादा तरीके होते हैं ये जानने के लिए कि आप वर्जिन हो या नहीं। आज भी बहुत सारे गांवों में उन टेस्ट को अपनाया जाता है, जिसमें से एक था वाइट शीट टेस्ट। अगर शादी की पहली रात आपका खून नहीं आया तो आप समाज के अकॉर्डिंग करेक्टर सर्टिफिकेट पाने के लायक नहीं हो, वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा आपको। सवाल ये नहीं था कि आप वर्जिन हो या नहीं, सवाल ये था कि आप पाक हो या नहीं, आप प्योर हो या नहीं। पता है, हमारी पूरी ज़िंदगी, हम सबकी पूरी ज़िंदगी अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी दोस्त, अच्छी प्रेमिका, अच्छी, बस अच्छी बनने में निकल जाती है। और हर रिश्ते में बस हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि बस हम अच्छे बने रहें, और ये भूल जाते हैं कि यार रिश्ते तो आते जाते थे, हमें तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना था। हम तो कभी किसी को खुश कर ही नहीं सकते, कोई हमसे कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, ना प्रेमी, ना दोस्त, ना समाज, ना ये दुनिया। ये जो नाक है ना, ये नाक कट जाएगी अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो समाज को नामंजूर था। कालिंदी मेरी कभी दुश्मन नहीं थी, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि वो मेरी दोस्त ज़रूर है, क्योंकि उसने मुझे वो सिखा दिया कि किसी के ओपिनियन तुम्हारा करेक्टर कभी नहीं बन सकते। मुझे अच्छा लगा कि वो अपने लिए लड़ी। सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी कौन जाने, बट यस, डियर रिस्पेक्टेड सोसाइटी, आई वॉन्टेड टू टेल यू, प्लीज़ गूगल कर लेना, हाइमन टूटने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। थैंक यू।